सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस टाइम मैं हूँ धनौल्टी में। तो ये धनौल्टी है जो है कि उत्तराखंड का पहला छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि बहुत खूबसूरत है। इस टाइम मैं हूँ सरकुंडा देवी पर्वत के जस्ट नीचे, तो अभी मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। चलिए तो मेरे साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंजॉय। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इससे, जो भी प्लेस कवर करेंगे वो सारा दिखाएंगे। तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए तो मेरे साथ घूमते हैं आज धनौल्टी। तो हेलो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 5 और हमारा आज का टूर प्लान है धनौल्टी जाने का। और गाड़ी आ गई है तो हम लोग जा रहे हैं अभी, और कहीं डटे पड़े हैं 3-4 लोग और बैग पैक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, तो निकलते हैं रूम से। सो गाइस, वैन आ चुकी है, हम चलेंगे इसी से। सो गाइस, सब लोग आ चुके हैं। जी आ चुके हैं। तो हेलो बोलो एक बार सब लोग। हेलो। एक बार मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस, हम आ चुके हाईवे पे, मेन हाईवे पे। अभी फ्यूल फेल हो रहा है अभी गाड़ी में, तो अभी मिलते हैं आपको। अभी सुबह में मिलते हैं, अभी थोड़ा अंधेरा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। सुबह होते ही आपको मिलते हैं दोबारा। गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, तो आगे हम एंजॉय करेंगे आगे का ब्लॉग देखते रहेंगे। चलिए मेरे साथ करते हैं इस वीडियो को एंजॉय। चलिए चलते हैं। तो गाइस, अभी चाय के लिए रुके हुए हैं। तो हम लोग आए हैं चंबा के रास्ते, मतलब ऋषिकेश होते हुए चंबा। वैसे बेसिकली 3 रास्ते हैं धनौल्टी आने के लिए। एक है देहरादून से, एक है देहरादून टू मसूरी जो ऋषि, और हम लोग आए हैं ये ऋषिकेश से चंबा होते हुए अभी जाएंगे। तो आपको जो प्लेस कवर होंगी वो कवर करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो प्लेसेस हैं वो मेन प्लेसेस हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या सीन है, मस्त बढ़िया सुबह का मौसम हो रखा है। ऑलमोस्ट गाइस, तो पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा टाइम और लगेगा अभी। तो आपको मिलते हैं धनौल्टी में। तो गाइस, चंबा आ गया है, चंबा की मार्केट। सुबह कुछ ऐसा व्यू भाई, हिमालय के शानदार नजारे लीजिए भाई, गजब। ये पूरा हिमालय का रेंज दिख रहा है। तो हम जड़ीपानी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ लगभग थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखाई देना शुरू हो गई है। So guys, हम पहुंच चुके हैं सरकुंडा देवी। जिसका मुझे था इंतजार, ये आ चुके हैं भाई। पहली बार बर्फ को टच करेंगे।
यो रहा सामने मंदिर, दिख भी नहीं रहा यहाँ से वो है। हाय गाइस, हेलो दोस्तों, हम आ चुके। सो गाइस, हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया जो कि 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है आके मार्केट। आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं आगे। और ये यहाँ का मेन गेट, चलते हैं सीधे। जोर से बोलो। सो दोस्तों, जिसको ट्रैकिंग नहीं करनी वो रोपवे से आ सकता है, या रोपवे का ऑप्शन है तो आप रोपवे से भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ट्रैकिंग करूँगा। वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, सांस फूलने लगी मेरी अभी से। सो गाइस, आप देख रहे हैं ये रोपवे का स्टेशन, इस तरह कुछ है। और ये हिमालय का रेंज। पूरा हिमालय की रेंज है यहाँ से, पूरा बढ़िया सुंदर व्यू है। आप यहाँ के फोटो खिंचा सकते हैं, काफी अच्छा व्यू पॉइंट है, काफी शानदार व्यू है दोस्तों यहाँ का। वो भी हम वहाँ पे जाना है, ये माता देवी यहाँ पे है, हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। चलें तो गाइस, जो रोपवे से आना चाहते हैं तो रोपवे का किराया है 205 रुपये 1% का, अप डाउन का। चलो, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, सांस तो मेरा फूलने लगा है। और अब माता का नाम जपते हुए चलते हैं धीरे धीरे। अगर आप ट्रैकिंग करते आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। रोपवे का क्या, 5 मिनट में आपको छोड़ देगा ऊपर, 5 मिनट में नीचे। लेकिन भाई ट्रैकिंग में असली मजा ट्रैकिंग में ही है। गई क्या गाइस, हम उड़ते उड़ते आ गए हैं, हो गया भाई। बट यहाँ पे पंख टूट गया भाई का, पूरा खत्म हो गया भाई। थकान हो गई भयंकर, बर्फी बर्फ है यहाँ इस तरफ भी। भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है हम लोगों का भाई। अगर यहाँ पे आए तो बूस्टर डोज लगवा के आए, नहीं तो आपकी लगने वाली है भाई। यहाँ पे भाई इतनी बर्फ मैंने पहली बार देखी है लाइफ में भाई। मैंने बोला था आपको उत्तराखंड में जन्नत है भाई, कहीं भी जा लो, कोई भी हिल स्टेशन, मसूरी, औली, धनौल्टी, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं यहाँ पे। तो गाइस, तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम आधा 1 किलोमीटर चढ़ाए हैं, 1 किलोमीटर और बचा है। धीरे धीरे चल रहे हैं, क्या करें, सांस फूल रहा है। तो दोस्तों ये बंदे हमारे चढ़ते आ रहे हैं, 3 यहाँ खड़े हैं और एक यहाँ है, वो काफ़ी नीचे हैं। हम लोग 17 लोग आए हुए हैं, सकते हैं हिमालय की ये रेंज है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, ऑसम। आज धूप भी निकला है और बर्फ़ भी पड़ी है, बर्फ़ तो ये 2 दिन पहले की है शायद। और यहाँ मंदिर है बस जस्ट आके आगे। ऑसम व्यू है, ऑसम व्यू भाई, जो सोचा था उससे नेक्स्ट लेवल जो सोचा था उससे नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। ये भाई देख 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 ये भैया, यहाँ का प्लान बना है। अभी 26 जनवरी के बाद फिर से बर्फ पड़ेगी, तो काफी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, यात्रा को रखते हैं कंटिन्यू और चलते हैं सरकुंडा देवी ऊपर। भाई गा देते हैं, चलते हैं सरकुंडा देवी। और मुझे तो आगे बहुत इंजॉय की है, हम लोगों ने आगे यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। आप भी आइए, इंजॉय कीजिए, फील कीजिए भाई। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, अपने छोटे भाई को भाई सपोर्ट करिए। जय बुंदेलखंड। हम अभी संक्रांति पे गए थे चंडी देवी, वहाँ की जो चढ़ाई थी 3 किलोमीटर थी, उसमें हमें इतना वो सांस नहीं खिंच रहा था। यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ हाई एटीट्यूड की वजह से सांस बहुत ज्यादा खिंचता है, तो भाई ब्लड प्रेशर भाई मरीज लोग बिल्कुल भी ना आए हार्ट के, आराम से रोपवे का यूज करें। और सब माता रानी में जवानी है, नया खून है, तो भाई हम तो चढ़ेंगे ही। सब माता रानी मदद करती है, यह माता दी दे माँ, शक्ति दे माँ, कितना सुंदर नजारा है ये माँ का। बाबा
देखो भाई साहब को अपना ब्लॉग है। फाइनली गाइस देवी माँ ने पाल लगा दी, अब धुलते हैं हाथ पे, सब धोते हैं थोड़ा धो लीजिए। सो गाइस आप पीछे देख रहे हैं वो मंदिर, तो फाइनली गाइस हम मंदिर आ चुके हैं। तो भाई सांस बहुत फूल रही थी, बड़ा कष्ट हुआ आने में, लेकिन देवी माँ ने पाल लगा ही दी आखिर। तो इस मंदिर की पौराणिक कहानी भी है कि जो शिव जी थे वो हमारे माता सती के पार्थिव शरीर को ले जा रहे थे, उनका सर यहाँ गिर गया था तो यहाँ माता सती के सर की पूजा होती है, इसलिए इस यहाँ मंदिर का नाम सरकुंडा देवी है। तो ये थी कुछ यहाँ की कहानी, तो मेरे साथ बोलिए जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, माता रानी का ऐसी आशीर्वाद बना रहे। हाँ हम लोग बार बार आते रहे यहाँ, बस बुलाएंगे, हम आएंगे जरूर। कौन है? चलिए भाई चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं दर्शन करने के बाद। दोस्तों ऐसे हिमालय की पूरी रेंज है, काफी सुंदर नजारा है यहाँ से, मन को मोह करने वाला, पूरा नेचर से कनेक्टेड एकदम। और ये मंदिर काफी प्यारा मंदिर है, इतना लग रहा है बुद्ध टेम्पल हो। औसम यार, और बर्फ पड़ी है तो काफी अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। देखिए नीचे पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ए अमन मस्ती करता होगा। तो गाइस दर्शन दर्शन कर लिए, अब चल रहे हैं नीचे, काफी टाइम हो गया है, गाड़ी वाले का कॉल आने लगा, चलिए ना चलते हैं मेरे साथ नीचे। तो गाइस हम आ गए मंदिर के पीछे थोड़ा बर्फ देखने, यहाँ काफी कुछ इस तरह का सीन है, यहाँ का काफी सुंदर। ओ भाई ओ भाई यहाँ जबरदस्त बर्फबारी है ये। गजब की बर्फबारी भाई, काफी आनंद आ रहा है यहाँ से। ओ बर्फ में घुस रहे, ना बीटी चालू है भाई। तो भाई तगड़ी बर्फ हो रखी है यहाँ, तो बहुत स्लिप हो रहा था पैर। हम लोग वापसी आ गए हैं, अब जा रहे हैं नीचे। चलो सब लोग यहीं हैं, बर्फबारी का फुल आनंद ले लिया, मजा आ गया भाई, पैसा वसूल ट्रिप रही है। ब्लॉग अच्छा लगा हो जाने लगा, लेकिन हमको बड़ा मजा आया, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। पूरा बर्फ से लदे पहाड़ आपको सामने दिख रहे होंगे, ये तो काफी अच्छा व्यू है, इसको ये लोग एंजॉय करते हुए हम भी एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो गाइस बर्फबारी में धनौल्टी मंदिर आके, सरकुंडा देवी की मंदिर आके हमें तो एंजॉय करने में मजा ही आ गया, फुल एंजॉय किए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और भाई आना बर्फ फुल, अगर आना है तो फटवाना नहीं है, पैसे दे के आना है, नहीं तो फटने वाली है आपकी, तो केबल कार ले लें, चार्ज पे करें, फिर आए, डोंट ट्राई टू पैथवे, ओके बाय बाय। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट इको पार्क होने वाला है, तो चलते हैं आप इको पार्क। भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, एकदम नेचर से सीधा कनेक्टेड होंगे आप अगर आएंगे तो, भाई मज़ा आ गया सच में। भाई और भाई लोग अगर नहीं जाए तो तुम्हारे पास तीन को ऑप्शन बा, एगो केबल कार, दूसरा गाड़ी, तीसरा फोर व्हीलर और चौथा सड़क किया जा। सड़क को आ जा। दोस्तों चढ़ना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उतरने में बड़ा ईजी है, मजा आ रहा है उतरने में। तो भाई ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का भी, तो वीडियो को एंड तक बने रहे। दोस्तों हमने आधी दूरी तय कर ली है फिर से, बस थोड़ा ही रह गया नीचे जाने को, जल्दी से उतरते हैं, सारा कुछ आपको दिखाई चुका हूँ। तो भाई ऐसा तो
वीडियो रिकॉर्डिंग करते जाओ भाई, यहाँ तो मन रुकता ही नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग करने से, फोटो खींचने से। चलते हैं फिर। तो गाइस पहुँच गए नीचे, अब चलते हैं इको पार्क की तरफ। और सब भर रहे हैं अभी गाड़ी में, बैठ रहे हैं। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं इको पार्क। ये पीछे इको पार्क आप देख रहे हैं, 50 रुपये एंट्री टिकट। तो टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। अच्छा अच्छा चलिए भाई चलते हैं अंदर। भाई 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 वीडियो खराब है, वीडियो खराब ना करो भाई। चार टिकट कटा जा, एंट्री टिकट है 50 रुपये। तो भाई टिकट ले लिए, अब चल रहे हैं अंदर। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, देख। तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ का, और बच्चों के लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटी है यहाँ पे, और काफ़ी बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं। तो हम भी आ गए हैं भाई। ये आपको यहाँ पे आपको खूबसूरत पाइन ट्री मतलब देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे बहुत। देखिए आप कितने ऊंचे हैं, चलिए आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं पूरा सीने का। यहाँ तो बर्फ़ है नहीं, गिरी होगी तो घुल गई, वहाँ पे थी बर्फ सरकुंडा देवी पे। हम आ रहे हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा सीन पीछे। ये वादियाँ उत्तराखंड की, वाह भाई। ये बंदा थक गया है, व्यू पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। यहाँ कुछ यहाँ का सीन, सो गाइस सब लोग आ चुके हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया ये सुंदर सुंदर नजारे। ये बढ़िया व्यू है यहाँ का, सब एंजॉय कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट मारेंगे हम तो। सब लोग आ जाओ भाई। तो उतरते हैं नीचे की ओर, नीचे का रास्ता है ऐसा, पूरा सर्कल है, हमने पूरा सर्कल पूरा कर लिया। ठीक ठाक है पार्क वैसे, यहाँ थोड़ी बर्फ है। चलो गाइस थोड़ा हाथ हाथ सेक लेते हैं यहाँ, फिर निकलते हैं। मौसम काफी ठंडा है और हमने इको पार्क घूम भी लिया है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस भुट्टा खाते हैं अब, स्वीट कॉर्न भुट्टा। चने भाई चने चने आ चुके नहीं है। इको पार्क करते हैं, बाय बाय। थैंक यू भाई। बोलो बोलो बोलो।
सो गाइस टेम्पो के पास आ गए हैं, अब चलते हैं हम यहाँ से, जहाँ रुकते हैं देखते हैं, नहीं तो फिर चल चल चलिए तो चलते हैं फिर आगे। तो गाइस अभी रुके हैं यहाँ तरफ देखने के लिए, बर्फ ही बर्फ। और मारो इसको बर्फ, तो गाइस बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे, देखो बर्फ गिर रही है और धूप भी निकली है, बर्फ भी बर्फ है, काफी दो तीन दिन की पड़ी हुई है। हेलो टेस्टिंग, वो साउंड ले, साउंड लिया, साउंड कहाँ रखा, बैग में है, ब्लैक वाला बैग में, कोई किसी से मंगाओ यार, नहीं डांस कर ले किसी से। फेंको बर्फ, फेंको इधर, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ, सो गाइस कैसा लगा आपको धनवल्टी का ट्रिप, तो कुछ ऐसा था ये ट्रिप, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।